हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किट्टू ड्रीम हाउस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी क्रेट का बिग पॉट बना करके किस तरीके से बनाना है, क्योंकि मैं अपनी छत पे वेट वजन नहीं चढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मैं लाइट वेट पॉट ढूंढती हूँ। तो मैंने ये भी जो आपको दिखा रही हूँ नींबू का बूटा, ये मैंने खुद बनाया हुआ अपनी स्वेटर से, और ये हरी मिर्ची भी मैं हार्वेस्ट करूंगी जो लगी है। तो चलो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये क्रेट है, काफ़ी बड़ा है, इसकी चढ़ाई लंबाई काफ़ी अच्छी है। जैसे चढ़ाई है इसकी 18 इंच और 20 इंच इसकी गहराई है और 25 इसकी लंबाई है। तो इस तरीके से भी हम इस तरपाल के टुकड़े को रख सकते हैं। अगर आपके पास तरपाल नहीं है तो आप बोरी वगैरह भी लगा सकते हैं। जैसे ये ऐसे बिछा दिया बीच में हॉल करके, और साइडों में एक एक टुकड़ा इसका कटिंग करके और लगा सकते हैं, बट मैं इसको कुछ और तरीके से लगाऊंगी। देखिए, जो इसमें ये किनारी है एक साइड में, ये किनारी मैंने इसके इर्द गिर्द चार चपेरे करनी है। तो देखिए, इस तरीके से मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। इसका नीचे वाला जो तला है, इसके नाप का मैं ये एक टुकड़ा काट दे रही हूँ, और मैंने इसके नाप की ही चढ़ाई का ये इसमें से टुकड़ा निकाला है, जो मेरे पास ये तरपाल का टुकड़ा था। तो इस तरीके से मैंने इसका नाप लेकर के काट लिया, और बीच में सेंटर में इसका बस सीजर से ही हॉल कर दिया है, ताकि इसमें जो भी पानी वगैरह बारिश का होएगा, इकट्ठा होएगा, तो वो इससे निकल जाएगा। और इसके इर्द गिर्द हम इसके ऊपर रखेंगे, इस वाले जो टुकड़े मैं काट रही हूँ, इस वाले टुकड़े को हम इसके ऊपर रखेंगे, चारों तरफ से जो रखेंगे। वो बीच वाला जो हमने टुकड़ा रखा है कटिंग करके, उसमें ये सारे टुकड़े हमने रख देने हैं। और 2 इंचेस जो है मैं बाहर निकालूंगी इससे, क्योंकि कई बार क्या होता है मिट्टी के वजन से ये सरक ना जाए। तो आप देख रहे हो, ब्लू पट्टी मैंने एक साइड कर दी, चारों चपेरे मैंने ये ब्लू पट्टी कर देनी है, क्योंकि ये मजबूत है पट्टी। ये देखिए, 2-2, 3-3 इंचेस हम साइड में निकाल देंगे, और मिट्टी के साथ ही अगर नीचे जाएगी भी तो कितना जाएगी, 1 इंच चली जाएगी, 1.5 चली जाएगी, मगर बाहर रहनी जरूरी है, क्योंकि क्रेट को जो है ये मजबूती रखेगी। तो देखिए, इसके बीच में हो गया, कितना अच्छे से ये पॉट बन गया है। आप चाहो तो इसके चार चपेरे कुछ बांध सकते हैं, मैंने ठीकरी भी रख दी है। और अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ पराली, जो धान वगैरह की होती है, जो चावल वगैरह हम निकालते हैं जिससे, और ये डाल दिया मैंने लहसुन का छिलका, गार्लिक पील जो मेरे पास हमेशा होता है। और इसमें मैंने देखिए 10 डेज से मैं इसमें किचन वेस्ट डाल रही हूँ, और गार्डन से जो लीफ वगैरह या कोई बेल बूटा कुछ सड़ जाता है वो भी इसमें डाल रही हूँ। ये 15 डेज हो गए हैं, इसमें मैंने काफ़ी सारा, मतलब अपने किचन का 15 डे का कचरा इसमें मैंने डाल दिया है, जितना भी किचन वेस्ट निकला है 15 डे से इसमें डाले जा रही हूँ, और दबे जा रहा है, डाले जा रही हूँ। अब इसमें मैं थोड़ी सी डालूंगी मिट्टी, ये वही वाला बॉक्स है जिसमें मैंने आपको दिखाए थे टमाटर की पौध, और इसको भी हम डाल देंगे। मिट्टी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें भी मैंने ऐसी किचन वेस्ट वगैरह ही भरा हुआ, बस तकरीबन पाइया भर इसमें मिट्टी डाली थी मैंने, और कितनी सारी ये खाद सहित मिट्टी बन गई है। और इसको भी हम जो कार्डबोर्ड का ये गत्ता डब्बा था गत्ते का, इसको भी हमने तोड़ करके इसमें डाल देना है, इसको भी हम मिट्टी ही बना देंगे इसमें, क्योंकि जब हम किचन वेस्ट डालते हैं वो भी उसमें से कुछ लिक्विड निकलता है। जैसे आज मैं ये लास्ट डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि 15 डे से मैं इसमें डाले जा रही हूँ, हर रोज़ जितना भी किचन वेस्ट निकलता है, लगभग एक डस्टबिन मेरा जो किचन वेस्ट का लगाया हुआ है, एक हर रोज़ डेली भर जाता है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ, जो किचन वेस्ट पुराना खाद है मेरे पास, जो काफ़ी पुराना खाद है, इसको डाल रही हूँ। इससे जो है ये जो मैंने ताजे वाला डाला है, इसको बहुत जल्दी ये खाद में तब्दील कर देगा। तो इस तरीके से मैंने इसमें ज़्यादा कूड़ा कचरा ही भरा है, तकरीबन 0.5 किलो के लगभग इसमें मैंने मिट्टी डाली होगी, जो गत्ते की पेटी से निकाली है। तो देख रहे हो आप, ये मैं मिट्टी डाल रही हूँ इसमें, लगभग 2 किलो मिट्टी इस इतने बड़े बिग पॉट में मैंने डाली है। 2 किलो मिट्टी में ये पूरा भर गया है, जो इसके अंदर किचन वेस्ट वगैरह वो अंदर ही अंदर सड़ेगा। और अब हम इसमें लगा देते हैं ये 2 कद्दू की बेल, एक बेल और लगाऊंगी। ऐसे तो मैं इसमें कुछ ना कुछ लगाती रहूंगी, आपको ये बेल तो और जस्ट लगा करके दिखा रही हूँ कि इस तरीके से हमने लगा देनी है। और ये पिछले महीने से इस वीडियो को मैं बनाने में लगी हुई हूँ, आज मैं इसको डाल रही हूँ। तो आप देख रहे हो, मैंने इस तरीके से, और ये भी मैंने कूड़े कचरे में, जैसे किचन वेस्ट में ही ज़्यादातर लगाए हुए थे जो सीड्स थे ये कद्दू के,
और ये वही वाले कद्दू के बीज हैं जो मैंने कद्दू के बीज निकाले थे बेल से तोड़ करके। यहाँ पे मैं सपोर्ट दे देती हूँ एक डंडी से, और उसके बाद मैं इसको बड़ी सपोर्ट दूंगी। मेरे पास एक लाइट जो ट्यूब होती है उसकी चौक होती है जो, वो टूटी हुई पड़ी है, मैं उसको दे दूंगी काफी लंबी, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम आपको दिखाएंगे इसमें काफी कुछ लगा हुआ, और जैसे कि 15 डे के बाद देख रहे हो आप कितने अच्छे से इसमें हरियाली होगी है। और जो ये लगाई है मैंने इसमें हरी मिर्ची, घिया की बेल और 2 कद्दू की बेल सैड, और ये कनारी देखिए कितनी अच्छे से इसमें मजबूती से होगी है। 2 कद्दू की बेल, यहाँ पे ये घिया है, ये हरी मिर्ची है, और जो मैंने 2 कद्दू की बेल लगाई थी देखिए कितनी लंबी होगी है। और एक इसकी बगल में मैंने फिर से लगा दी थी, ये तो बहुत ही ज़्यादा लंबी होगी है, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ इसने निकाली है। ये मैंने ऐसे ही उठा करके लगा दी थी पोलोथीन फाड़ करके और इसमें लगा दिया था। और ये जो मिर्ची के बूटे हैं जिससे मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ये अंडरवेयर से मैंने पॉट बनाए हुए हैं, इसमें बहुत अच्छी हरी मिर्ची लगती है। हर रोज मुट्ठी भर हम हरी मिर्ची नीचे ले जाते हैं, मगर आज मैं आपको इकट्ठी ही हार्वेस्ट करके दिखाऊंगी नीचे वाले जो 2 पॉट से कितनी सारी मिर्ची मैं हार्वेस्ट करूंगी। आप देख रहे हो यहाँ पे ये बुट्टा जो है ना नीचे झुक रहा है, और इसको मैंने सपोर्ट भी दे रखी है, इतनी सारी इस पे हरी मिर्ची लगी हुई है कि ये वजन नहीं झेल पा रहा बूटा। तो मैं सारी हरी मिर्ची इस पे से हार्वेस्ट कर लूँगी जितनी भी, इससे और एक बूटा और है बस, ये जो पॉट में रखा हुआ है मेरे पास ही है उससे मैं हार्वेस्ट कर लूँगी, इससे भी मैं हार्वेस्ट कर दे रही हूँ। और जो स्टार्टिंग में आपको मैंने दिखाया है ये 56 कद्दू का प्लांट है, देख रहे हो कितना बड़ा हो रहा है, पूरा टब कवर कर रखा है। और इसी तरीके से मैं हरी मिर्ची तोड़ लेती हूँ, और तोड़ करके फिर उसके बाद सीजर के साथ उसकी ट्रिमिंग कर देती हूँ। ट्रिमिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है अगर आपने काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग पानी है अपने बूटे से। तो देखिए मैंने 2 बूटे से हार्वेस्ट कर ली है हरी मिर्ची, और इसमें तो कुछ कमी है क्योंकि किसी को मैंने दे दी थी हार्वेस्ट करके, कोई आई थी और पड़ोस के तो नहीं थे, पड़ोसन आई थी बेचारी, उनको तो मैंने कुछ दिया भी नहीं है, बस पुदीना ही लेके गए हैं। कोई और आई थी जो थोड़ी सी दूरी पे रहती है, फ्रेंड ही है मेरी, तो उन्होंने हरी मिर्चें यहाँ से हार्वेस्ट की है, लगभग इसी वाले बूटे से उन्होंने तोड़ी है, इधर उधर से नहीं तोड़ी, कहते आप वीडियो बनाते हैं इससे वो सारी लेगी तोड़ के। तो देखिए मैंने यहाँ से इस बूटे से और ये सामने जो बूटा इससे मैंने इन 2 से ये हरी मिर्च हार्वेस्ट की है। आप देख रहे हो कितने घने ये बूटे हो रखे हैं, और ये जो सीजर से मैं कट कर रही हूँ इससे काफ़ी सारी फ्लावरिंग आएगी, काफ़ी सारी फ्रूटिंग आएगी जितनी कटिंग कर रही हूँ। ये जो ब्रांचेस मैंने इसकी ऊपर ऊपर से कटिंग कर दी, बस इनको तोड़ मरोड़ के इनकी जड़ में ही मैं डाल देती हूँ। और इसको भी देखिए काफ़ी अच्छा बूटा था ये, अगर आप कहेंगे कि इतना अच्छा हो रहा है इसको ऐसे ही आने दो मिर्ची, मगर नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग चाहिए होती है, इसलिए मुझे ट्रिमिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और एक ही बूटा नहीं है, कम से कम 10-12 बूटे हैं, और बरसात के कारण कई बूटे मेरे ख़राब भी हो गए, जो बहुत ज़्यादा बारिश के कारण वो मर सी गए हैं, अपने आप ही उनके लीफ झड़ गए हैं, और हरी मिर्ची उनसे मैंने हार्वेस्ट कर ली थी। और ये देख रहे हो आप कितनी अच्छी है हरी मिर्ची, काफ़ी तिक्खी है, बस 3-4 हरी मिर्ची डालनी होती है सब्जी में, बहुत तिक्खापन ले आती है हमारे घर में, बल्कि सब तिक्खा ही खाते हैं। और इसी तरीके से जैसे मैंने ये हरी मिर्ची का प्लांट किया है कटिंग, ऐसे ही मैंने ये नींबू का किया हुआ है, जैसे सामने आप देख रहे हैं जिस तरीके से ये कटिंग किया, देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग किया, इसको कितना घना हो रहा है, और अब की इसके ऊपर काफ़ी सारी फ्रूटिंग आने वाली है। और ये देखिए मैंने इसका साइज़ आपको बता ही दिया था पहले जब मैं इसमें भर रही थी कि ये इस तरीके से 25 इंच है, और गहराई इसकी 20 इंचेस है, और चौड़ाई इसकी 18 इंचेस है, तो काफ़ी अच्छा बिग पॉट बन गया है ये, और ये लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है काफ़ी लंबे टाइम तक, क्योंकि प्लास्टिक जो इसकी है इस पर ऊपर से कवर कर दी, नहीं तो ये ऊपर ऊपर से धूप के कारण सड़ जाता था।